मॉस्को में रूस और भारत शिखर सम्मेलन एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और संबंधों के विस्तार पर पुतिन के साथ चर्चा जो हो रही है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब भारतीय समय के मुताबिक आज होने वाली इस मुलाकात के साथ साथ आपको बता दें कि आज भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे और क्रेमलिन में पुतिन से औपचारिक बातचीत भी होगी। और भारत और रूस के रिश्तों पर अब बातचीत करेंगे हमारे मेहमानों से, लेकिन आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत भी करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौता होने की पूरी पूरी उम्मीद है। मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मोदी पुतिन की मीटिंग पर दुनिया की पूरी निगाहें हैं, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर रहेगा, यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है और मोदी पहुंचे हैं रूस, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत होगी, रक्षा समझौते पर मुहर लगेगी, फाइटर सुखोई 57 पर करार संभव है जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स सेक्टर पर बातचीत होगी। दीपक वोरा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि दोनों के रिश्ते बहुत अहम हैं और एक तरह से रूस अपनी स्ट्रैटेजी के लिए विदेश नीति को आगे बढ़ाता है तो भारत अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। क्या कुछ उम्मीद है, बातचीत संभव होगी, क्या कुछ समझौते हो सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो आप जानते हैं हम तेल खरीद रहे हैं रूस से सस्ते दामों पर, तो फ्यूल या एनर्जी के बारे में ज़रूर बातचीत होगी। दूसरी बातचीत होगी रूस के जो रूपी होल्डिंग्स हैं, जो सामान डिफेंस इक्विपमेंट हमने उनसे लिया है, उनके रुपए पड़े हैं भारत के बैंकों में, उसका क्या प्रयोग करना है, तो डिफेंस के बारे में भी बात होगी, ट्रेड के बारे में भी बात होगी। लेकिन मैम एक गिव मी हाफ ए मिनट, मैं बता देता हूँ कि तीन देशों को, दुनिया के तीन हिस्सों को हम संदेशा दे रहे हैं इसके थ्रू। पहले रूस को दे रहे हैं, हमने नई दोस्ती की है अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, उन्होंने हमारे साथ किया है, लेकिन पुराने दोस्तों को हम नहीं भूले। चाणक्य ने कहा था मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, कभी नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं है, सबके साथ दोस्ती, ऑल अलाइनमेंट। दूसरा संदेश हम दे रहे हैं अमेरिका को, देख टाइगर हम रूस को नहीं त्यागेंगे, वो हमारा बहुत अच्छा और सॉलिड दोस्त है। और तीसरा चीन को संदेशा दिया जा रहा है, ये जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं मैरिटाइम की, ये जाएगा साउथ चाइना सी होता हुआ, कर ले जो तू कर सकता है। ये सामान रूस का भी सुन रहे हैं, दुनिया की नजर है, पाकिस्तान की नजर के लिहाज से भी जरा समझा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मोदी के मॉस्को दौरे से लेकर एक और बड़ी खबर है, रूसी फौज में भारतीयों को लेकर हुई बात और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन में बातचीत को लेकर यह खबर बड़ी है। पुतिन ने सभी भारतीयों की वापसी पर सहमति दी है, करीब 200 भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हैं, तो युद्ध के हालात के बीच में जिस तरीके से करीब 200 भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हैं उसको लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुतिन ने सभी भारतीयों की वापसी पर सहमति दी है। पांडे सर, ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि ये साफ हुआ कि किस तरीके से इससे पहले 10 लोगों को लेकर खबर आई थी जिनकी वापसी हो पाई थी। सवाल यही था कि क्या इस दौरे में अब भारतीय जो रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हैं उसको लेकर भी कोई फैसला होता है या नहीं, और ये एक राहत भरी खबर। पांडे सर, देखिए निश्चित रूप से ये दोस्ती की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि हम उन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जिसका कि पूरे विश्व में नज़र है, हमारे जो है जहाँ हमारे भी दोनों देशों के बीच में जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपसी दूरियों को कम करने के लिए वो भी हम आगे बढ़ सकेंगे। महत्वपूर्ण क्या है कि वातावरण किस माहौल में बात हो रही है। ध्यान रहे कि 75 साल पूरे होने की अपने जो है नाटो अपना वहाँ ग्रुप मना रहा है वाशिंगटन में, वहाँ मीटिंग अलग हो रही है, साथ में उसी समय ही हम जो है भारत और रूस आपस में दोस्ती के लिए मॉस्को में मिल रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से पोस्चरिंग हो रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ में एक और तारीफ करनी होगी भारत की कि भारत ने अमेरिका और रूस को एक साथ अपने साथ चलाने को प्रयास किया है, और ये बताता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं वो हम क्रियान्वित करते हैं, हमारी वो डीएनए में है, हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जो बात वोरा सर ने कही, चाइना को बड़ा संदेश जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन वोरा सर पाकिस्तान के लिए भी बता दीजिए, इरशाद साहब सुन रहे हैं आपको। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैम रूस सारी दुनिया को कह रहा है कि दुनिया की एक महाशक्ति जिसका नाम भारत है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, सारे मेरे अंडे चीन की टोकरी में नहीं है, ना मैं पश्चिम की तरफ देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, एक बहुत मजबूत दोस्त मेरे पास है। पाकिस्तान को ये संदेशा दिया जा रहा है कि आपका कोई मजबूत दोस्त नहीं है, वो जो आपका चाचा चीन में बैठा है वो भी आपके मुँह पर तमाचा मारने वाला है, क्योंकि आप कुछ नहीं दे पाते उसको, हर सबसे लेना चाहते हैं, भारत सबको देना चाहता है। अमेरिका इस समय विश्व नेता नहीं है, लेकिन भारत विश्व बंधु बन गया है। बिल्कुल।
जाते जाते आखिरी रिएक्शन बख्शी साहब आपसे ले रही हूँ मैं, ये जो खलबली मची है पाकिस्तान में, बौखलाहट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस भारत के नज़दीक आ रहा है, ये संबंध है, एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं पुतिन और मोदी, तो क्या इसीलिए तो खलबली नहीं मची है बख्शी साहब? देखिए, बड़ी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल आ गया है तभी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अपने लोगों को दो रोज की रोटी मुहैया कराने के बजाय ये भारत में गफलत करने की फिराक में बैठे हैं कि किस तरह हम वहाँ लोगों को मराएं। ठीक है साहब, आपको ये सौदा महंगा पड़ेगा, इट इज़ अ डेथ विश, डेथ विश, क्योंकि अगर आपका और हमारा लिमिटेड युद्ध भी हो गया तो जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, यू विल सीज टू एग्जिस्ट एज अ वाइबल नेशन स्टेट। और जहां तक रशिया का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत प्राइज करता है, तभी हम किसी एक देश के पीछे लगू बिल्कुल नहीं बन सकते। अमेरिका ने बड़ा दबाव डाला भारत के ऊपर कि हम रूस के प्रति अपनी नीतियों को बदली करें, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी है, हमने रूस का तेल खरीदकर जो है काफ़ी हद तक उसको सैंक्शन से बचाया है, और रूस भी क्वाइट ऑब्वियसली बहुत ग्रैटिट्यूड है। हमारी डिफेंस रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, S-400 मिसाइल्स टॉप ऑफ द लाइन रूस ने हमको जो है, 5 हमको बैटरियाँ आनी थी, 3 आ चुकी हैं, 2 की बातचीत चल रही है, और अभी बात चल रही है SU-57 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन की। True. अगर ये डील हो जाए तो साहब पाकिस्तान के तो होश हवास बिल्कुल, जो बचे खुचे हैं वो भी फाख्ता हो जाएंगे। इरशाद साहब, ये है भारत का आईना, यहां हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट को लेकर। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हम सभी के साथ जुड़ने के लिए।